हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बटरी गार्लिक एग पराठा। इससे पहले तो आपने बहुत एग पराठा खाया होगा, पर एक बार ये बटरी गार्लिक एग पराठा ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार करना है और आटे को तैयार करके हल्का सा रिफाइंड लगा के 10 मिनट के लिए रख दीजिए, तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम लोग बटर तैयार कर लेते हैं। अगर आप बटर नहीं ले रहे हैं तो देसी घी भी ले सकते हैं। हरी मिर्च डालेंगे काट के, धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। मिक्सिंग बाउल में अंडे को निकाल लेंगे, इसमें नमक डालेंगे, धनिया पत्ती, हरी मिर्च काट के डाल देंगे, कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ टमाटर और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। और जो हमने बटर तैयार किया है उसमें अदरक लहसुन को कद्दूकस करके डाल देंगे। इसको पेस्ट नहीं डालना है, इसको कद्दूकस करके ही डालना है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल के मिला लेंगे अच्छी से। इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो रोटी की तरह लोई बना के बेल लेंगे। उसके ऊपर ये बटर लगा के इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद राउंड राउंड घुमा देंगे तो ये बन जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए, इसको दबा देंगे हल्का सा। अब दूसरा रोटी बना के उसके ऊपर बैटर को फैला देंगे और बीच से काट के फिर चारों तरफ से क्लॉकवाइज रोल कर देंगे। और फिर बीच में सेंटर में रखते हुए दबा देंगे। अब तीसरे में इसको तिकोना पराठा बना लेंगे बटर लगा के। रोटी को तवे पर डालेंगे, दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब अंडे को इसके ऊपर फैला के दोनों तरफ से कवर कर देंगे और अच्छी तरह से रिफाइंड लगा के दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब जो हमने रोल बनाया था उसको बेल के तवे पे सेक लेंगे। इसको साइड में करके अब ऑमलेट बना लेंगे और उसके ऊपर जो हमने पराठा सेका हुआ था उसको लगा देंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब तिकोना पराठा जो हमने बनाया है इसको पहले सेक लेंगे हल्का सा दोनों तरफ से, तो इसकी परत खुल जाएगी। तो परत खोल के दोनों के अंदर अंडे को डाल देंगे इस तरीके से और अच्छी तरह से फिर से सेक लेंगे। रोटी बना के इसके अंदर अंडे को रख दें और चारों तरफ से इसको कवर कर दें और धीमी आंच पे दोनों तरफ इसको भी सेक लें। तो ट्राई करिए बटरी गार्लिक एग पराठा और बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को।